हेलो, आप सबका मेरे चैनल स्प्रेडिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। आज मैं आपको एक सीआरपीसी की प्रॉब्लम, जो कि यूपी एपीओ 1982 में और यूपी जे 1992 में पूछी गई थी, इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है पूछ रही। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो इनबॉक्स में जाकर टाइप करिए, और नहीं पता है तो मेरे पूरी वीडियो वॉच कर लीजिए। क्या किसी अभियुक्त को किसी अपराध के लिए दंड दिया जा सकता है जिसके संबंध में विचारण के दौरान आरोप विचित न किया गया हो? क्या कह रहा है कि क्या किसी एक्यूज को किसी ऐसे ऑफेंस के लिए पनिशमेंट दिया जा सकता है जिसके संबंध में ट्रायल के दौरान आरोप विचित नहीं किया गया है? मतलब कह रहा है कि किसी अभियुक्त को किसी ऐसे अपराध के लिए क्या दंड दिया जा सकता है जिसके संबंध में विचारण के दौरान कोई भी आरोप विचित नहीं किया गया हो। अब क्या कह रहा है कि आपराधिक न्याय का एक सामान्य नियम है कि किसी भी अभियुक्त को विशिष्ट अपराध के लिए दोषी नहीं किया जा सकता जिसका उस पे आरोप नहीं लगाया गया। क्या कह रहा है, सामान्य नियम क्या है अपराध विधि का? यह सामान्य नियम है कि किसी भी अभियुक्त को किसी ऐसे विशिष्ट अपराध के लिए दोषी नहीं किया जा सकता जिसके लिए उस पे आरोप नहीं लगाया गया है, किंतु इस नियम का अपवाद दिया गया है। कहां? तो धारा 221 की उपधारा 2 और धारा 221 में ही अपवाद दिया गया है। तो इसकी जो ये प्रॉब्लम है, ये 221 की उपधारा 2 और 222 के सामान्य नियम का अपवाद है। क्या कह रहा है, 221-2 कहता है कि इनमें उपबंधित है कि कोई कार्य या कार्य की श्रृंखला, श्रृंखला मतलब एक कड़ी, कड़ी आवली कह सकते हैं, कार्यों की आवली ऐसी है जो मजिस्ट्रेट यह प्रतीक निश्चित नहीं कर पाता कि अभियुक्त के विरुद्ध कौन सा आरोप बनता है। मतलब कहता है कि कार्य और कार्य की प्रकृति ऐसी, कार्य या कार्य की श्रृंखला या अवली ऐसी है जिसमें मजिस्ट्रेट यह निश्चित नहीं कर पाता कि जो एक्यूज पर्सन है वह कौन सा अपराध किया है। तो वह क्या करता है कि वह उन अपराधों में से या तो किसी एक का या सब का या अनुकल्पतः आरोप लगा सकता है। इसको उदाहरण से देखते हैं तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। उदाहरण क्या कहता है कि क पर किसी ऐसे अपराध का आरोप है जो चोरी की गई संपत्ति को प्राप्त करने की या न्यास भंग की या छल की कोर्ट में आ सकेगा। वहां उनमें से किसी का या तो चोरी की संपत्ति को प्राप्त करने का या न्यास भंग करने का, क्रिमिनल बीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का या फिर छल का, चीटिंग का, इनमें से किसी का भी आरोप लगा सकता है या इन सबका लगा सकता है। चोरी की संपत्ति को प्राप्त करने का, न्यास भंग का, छल का, सबका लगा सकता है या फिर अनुकल्पता रूप से किसी एक का आरोप लगाया जा सकता है। फिर क्या कह रहा है, 221-2 में यह बताया गया है कि 221-1 में लगाए गए आरोप से भिन्न अपराध साक्ष्य में सिद्ध होता है। मतलब क्या कह रहा है कि 221-2 में यह बताया गया है कि धारा 221-1 में लगाए गए आरोप से भिन्न अपराध साक्ष्य में सिद्ध होता है, यद्यपि कि 221-1 में आरोप लगाया जा सकता था किंतु आरोप नहीं लगाया गया। मतलब कह रहा है कि 221 की उपधारा 1 कहती है कि अगर 221-1 में लगाए गए आरोप से भिन्न अपराध का साक्ष्य सिद्ध होता है, यद्यपि कि उस पे उसका अपराध का आरोप नहीं लगाया जा सकता था, नहीं लगाया गया था, तो वहां पे अभियुक्त को न लगाए गए आरोप के लिए भी दोषित किया जा सकता है। मतलब कि उस पे आरोप लगाया जा सकता था लेकिन आरोप नहीं लगाया गया तो भी वह उस अपराध के लिए उस पे दोषित उसे किया जा सकता। उदाहरण से जैसे समझेंगे आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे कि क पर किसी अपराध का आरोप है और सिद्ध नहीं हो पाता कि उसने चोरी की है या चोरी की संपत्ति प्राप्त की है या न्यास भंग किया है, और उस पे 221-1 के प्रावधानों के अनुसार सिर्फ चोरी का आरोप लगाया जाता है, किंतु जब साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है और साक्ष्य प्रस्तुत होने के बाद मजिस्ट्रेट को यह प्रतीक होता है कि वह उसने चोरी न करके चोरी की संपत्ति को प्राप्त किया था, तो वहां पर उसको चोरी की संपत्ति को प्राप्त करने के लिए दोषी सिद्ध कर दिया जाएगा भले ही उस पर चोरी की संपत्ति को प्राप्त करने का आरोप नहीं लगाया गया था। मतलब क्या है कि अगर किसी व्यक्ति पर
चोरी का, चोरी की संपत्ति को प्राप्त करने का और न्यास भंग का तीनों का आरोप लगाया जा सकता था, लेकिन क्या किया गया कि खाली चोरी का आरोप लगाया गया। और चोरी के आरोप के बाद उसमें पता चलता है कि उसने चोरी तो नहीं की है लेकिन चोरी की संपत्ति प्राप्त की है, तो उसे उस अपराध के लिए दोषी किया जाएगा भले ही उसपे उसके लिए आरोप नहीं लगाया गया था। या फिर चोरी के लिए लगाया गया और पता चलता है कि साक्षी से कि उसने चोरी तो नहीं की थी, न्यास भंग किया था, तो उसे न्यास भंग के लिए दोषी सिद्ध किया जाएगा भले ही न्यास भंग का आरोप उस पर नहीं लगाया गया है। ठीक है, अब इतनी बातें हो गई। फिर क्या कह रहा है 222 क्या कहता है 222 के अनुसार जब किसी व्यक्ति पर ऐसे अपराध का आरोप लगता है जिसमें कई विशिष्टियां हैं और कुछ विशिष्टियां साबित होती हैं तथा साबित होने से एक छोटा अपराध बनता है। मतलब कह रहा है कि अगर किसी जो अभियुक्त है उस पर ऐसे अपराध का आरोप लगाया जाता है जिसमें कई विशिष्टियां हैं लेकिन कुछ को साबित करके एक छोटा अपराध बनता है, शेष साबित नहीं होता, तब वह यह वह साबित छोटे अपराध के लिए दोषी किया जा सकता है यद्यपि कि उस पर आरोप नहीं लगाया गया था। मतलब क्या कह रहा है कि अगर किसी व्यक्ति पर किसी बड़े अपराध का आरोप लगाया जाता है उसमें कई विशिष्टियां हैं लेकिन साबित होती हैं, उसमें से कुछ विशिष्टियां साबित होती हैं, छोटा अपराध साबित होता है, तो भले ही उस पर आरोप नहीं लगाया गया उस छोटे अपराध के लिए भी दोषी सिद्ध किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर कह रहा है क आईपीसी की धारा 407 के अधीन आरोप लगाया गया, उसने संपत्ति जो कि उसके पास वाहक के रूप में न्यस्त थी उसका न्यास भंग किया है, किंतु साक्ष्य से यह साबित होता है कि धारा 206 में न्यास भंग तो उसने नहीं किया है लेकिन संपत्ति उसे वाहक के रूप में नष्ट की गई थी, अतः वह साबित छोटे अपराध अर्थात 406 में दोषी सिद्ध किया जा सकता है। अब क्या कह रहा है कि अगर मान लीजिए कि किसी व्यक्ति पर आईपीसी की जो धारा 407 है उसके अधीन आरोप लगाया गया कि उसे संपत्ति को वाहक के रूप में नष्ट की गई थी और उसने क्या किया न्यास भंग किया, किंतु साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि उसे संपत्ति न्यस्त वाहक के रूप में न्यस्त नहीं की गई थी किंतु उसने न्यास भंग किया है, तो उसे न्यास भंग के लिए दोष सिद्ध किया जाएगा भले ही आरोप नहीं लगाया गया। अब 221 की उपधारा 1 हो गया, अब उपधारा 2 क्या कहती है, कहती है कि जब किसी व्यक्ति पर किसी अपराध का आरोप लगाया जाता है और कुछ ऐसे तथ्य साबित कर दिए जाते हैं जो अपराध को छोटा कर देता है, तब ऐसे व्यक्ति पर छोटे अपराध के लिए भी दोष सिद्ध किया जा सकता है भले ही आरोप नहीं लगाया गया था। मतलब क्या कह रहा है, अगर किसी व्यक्ति पर कोई अपराध का आरोप लगाया गया लेकिन साक्ष्य से यह प्रतीक होता है कि उसने वह अपराध तो नहीं किया है लेकिन छोटा अपराध किया है, तो छोटे अपराध के लिए उसे दोषी सिद्ध किया जा सकेगा भले ही उस छोटे अपराध के लिए उस पर आरोप नहीं लगाया गया। आइए देखिए इसको उदाहरण से, उदाहरण क्या कहता है, क पर आईपीसी की 325 के अधीन घोर उपहति के का आरोप लगाया जाता है। मतलब क्या है कि क पर आईपीसी की जो धारा 325 है उस पे घोर उपहति का आरोप लगाया जाता है, यह साबित होता है कि उसने घोर उपहति अचानक प्रकोपन में किया था जो कि 335 में दंड को कम कर देती है, अतः क को 335 में साबित छोटे अपराध के लिए दोषी किया जा सकता है यद्यपि 335 के अंतर्गत उस पर आरोप नहीं लगाया गया था। अब 3 क्या कहती है, यदि किसी व्यक्ति पर किसी अपराध को करने का आरोप है तो उस अपराध के करने का प्रयत्न का भी दोषी सिद्ध किया जा सकता है भले ही प्रयत्न का आरोप नहीं लगाया गया। तीसरा खंड कहता है अगर किसी व्यक्ति पर किसी अपराध का आरोप है और वो आरोप लगाया गया, अब साबित क्या होता है, साक्ष्य से पता चलता है कि उसने वह अपराध तो नहीं किया है लेकिन उसका प्रयत्न किया है, तो प्रयत्न के लिए उसे दोष सिद्ध किया जाएगा भले ही प्रयत्न के लिए उस पर आरोप नहीं लगाया गया है।
यहाँ मतलब क्या कह रहा है कि 221 की उपधारा एक कहती है कि अगर किसी व्यक्ति पर किसी ऐसे अपराध का आरोप लगाया गया है जिसमें ढेर सारी विशिष्टियां हैं, मतलब कह रहा है कि अगर उसमें कई विशिष्टियां हैं और उनसे क्या है कि छोटा अपराध साबित होता है, से साबित नहीं होता, मतलब कुछ विशिष्टियां साबित होती हैं और कुछ नहीं होती हैं, तो जो साबित होती हैं उनसे एक छोटा अपराध बनता है, तो उस छोटे अपराध के लिए क्या किया जाएगा, उसे दोषी किया जाएगा भले ही उस पर आरोप नहीं लगाया गया। अब दूसरी उपधारा क्या कहती है कि यदि किसी व्यक्ति पर कोई आरोप लगाया गया और उस और कुछ तथ्य मिलकर एक ऐसे अपराध का गठन करते हैं जो कि छोटे अपराध की कैटेगरी में आता है, तो ऐसे छोटे अपराध के लिए उसे दोषी किया जाएगा भले ही उस पर आरोप नहीं लगाया गया। मतलब क्या कह रहा है कि अगर किसी व्यक्ति पर 325 के तहत ग्रीवियस हर्ट का आरोप लगाया गया और क्या होता है कि पता चलता है कि उसने ग्रीवियस हर्ट तो किया है लेकिन अचानक प्रकोपन के तहत ग्रीवियस हर्ट किया है जो कि धारा 335 के अंतर्गत आता है, तो ऐसे व्यक्ति पर को 335 के तहत दोषी किया जाएगा भले ही 335 का आरोप नहीं लगाया गया है। और तीसरा क्या कहता है कि अगर किसी व्यक्ति पर किसी अपराध का आरोप लगाया गया लेकिन बाद में पता चलता है कि साक्ष्य से पता चलता है कि उसने वह अपराध तो नहीं किया है लेकिन उसका प्रयत्न किया है, तो उस प्रयत्न का भी आरोप उस पे प्रयत्न के लिए दोषी किया जाएगा भले ही आरोप नहीं लगाया गया। अतः उक्त परिस्थितियों में किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए दोषी भी किया जा सकता है जिसका कि किसी अपराध पर आरोप नहीं लगाया गया। क्या प्रॉब्लम थी? प्रॉब्लम थी कि क्या किसी अभियुक्त व्यक्ति को किसी ऐसे अपराध के लिए दंड दिया जा सकता है जिसके लिए विचारण में आरोप नहीं लगाया गया हो? तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा कि हाँ किया जा सकता है, जबकि धारा 221 के तहत आता है या धारा 222 के अंतर्गत आता है। धारा 221 की उपधारा 2 और 222 की उपधारा 1, 2 और 3 के अंतर्गत आता है, तो ऐसे व्यक्ति पर बिना आरोप लगाए भी किसी भी अपराध के लिए उसे दोषी किया जा सकता है। इस तरह मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, प्रॉब्लम का सलूशन बताया। ऐसी अच्छी अच्छी प्रॉब्लम के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक और कमेंट करिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।